दोस्तों जब किसी के पेट में गैस बनती है और एब्डोमेन जब गैस की वजह से अपसेट हो जाता है तब व्यक्ति को काफ़ी परेशानी होती है। उस समय पेशेंट को काफ़ी परेशानी होती है और उसका किसी भी काम में मन नहीं लगता है और पेशेंट काफ़ी परेशान रहता है। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रैनी हेल्प सिरप के बारे में, जो कि एक गैस्ट्रिक को ख़त्म करने वाली मेडिसिन है, यानी गैस्ट्रिक में रिलीफ करने वाली मेडिसिन है और रैनी हेल्प के नाम से मार्केट में आपको मिल जाती है। 100 ml की दोस्तों पैकिंग में आती है। तो इस वीडियो में हम इस मेडिसिन की सारी इन्फॉर्मेशन जानेंगे, इसके बेनिफिट्स जानेंगे, इसको कैसे यूज़ करना है इसके बारे में जानेंगे, ये रैनी हेल्प मेडिसिन किस तरह से वर्क करती है, पेशेंट को किस तरह से आराम करती है और इसके साथ ही इसके यूज़ करते समय आपको क्या क्या सावधानियाँ रखनी हैं और आपको किन बातों का ध्यान रखना है। तो गाइज़ ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए लगातार देखते रहें ताकि आपको इसके बारे में कंप्लीट जानकारी मिल सके। तो आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल यूनिक मेडिसिन, जिस पर हम दवाइयों के बारे में नई नई जानकारी लेकर आते हैं और आज की इस वीडियो में हमने रखा है रैनी हेल्प सिरप को, ताकि हमारे जो गैस्ट्रिक वाले पेशेंट हैं या जो गैस्ट्रिक वाले बंदे होते हैं जिनको गैस की समस्या होती है, एसिडिटी वगैरह हो जाती है, तो उनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो सके। दोस्तों अगर हम बात करें रैनी हेल्प सिरप के बारे में तो ये एक ऐसा सिरप है, जब किसी के पेट में एक्स्ट्रा एसिड सिक्रेशन की वजह से गैस बनती है या जो एसिड सिक्रेट हो चुका है इसको न्यूट्रलाइज करने का ये मेडिसिन काम करती है। दोस्तों ये एक्स्ट्रा एसिड को न्यूट्रलाइज करती है बने हुए एसिड को और जो बनने वाला एसिड है उसको रोकने का काम करती है। दोस्तों इसके साथ ही एसिड की वजह से पेट में जो गैस बनती है, एसिडिटी की समस्या आती है या हिंदी भाषा में लोग आम भाषा में बोलते हैं कि पेट में तेजाब बन रहा है, तो इस तरह की समस्या को ख़त्म करती है। दोस्तों रैनी हेल्प इस मेडिसिन का कंपनी के द्वारा दिया गया नाम है, ट्रेडमार्क कंपनी है। 75 mg पर 5 ml की स्ट्रेंथ में मेडिसिन इसमें आती है। दोस्तों यहाँ इसका कंपोजिशन देख लेते हैं। हर एक 5 ml का जो कंटेन होता है उसमें रैनिटिडिन हाइड्रोक्लोराइड यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग 84 mg होता है। और गाइस अगर हम इस मेडिसिन के फार्माकोलॉजिकल नेम यानी इसके जेनरिक नेम की बात करें तो आप इसको देख सकते हैं, ये रैनिटिडिन के नाम से आपको मिल जाती है। ओरल सॉल्यूशन की फॉर्म में मेडिसिन है, यानी ये ओरल रूट से ली जाने वाली दवाई है। यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग इसको तैयार किया गया है। गाइस ये मिंट फ्लेवर में आती है। दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं कि एक एब्डोमिन का डायग्राम भी दिया है, तो इसका मतलब ये है कि पेट में जो गैस बनती है उस गैस को ये ख़त्म करके गैस से रिलीफ दिलाती है पेशेंट को, और पेशेंट को जो पेट भारी भारी महसूस होता है या एब्डोमिन अपसेट फील होता है इसको नॉर्मल करने का काम करती है। दोस्तों हेल्प लैब का प्रोडक्ट है, काफ़ी अच्छी कंपनी है हेल्प लैब और इनके अलग अलग प्रोडक्ट हैं जो मार्केट में आते हैं। दोस्तों ये RX वाली मेडिसिन है, रेड स्ट्रिप मेडिसिन है और यहाँ पर साफ मेंशन है कि शेड्यूल H कैटेगरी वाला ड्रग है, तो कभी भी आपको खुद से सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है, आपको अपने डॉक्टर की सलाह से ही इसको यूज़ करना है। और जो हमारे ऐसे पेशेंट होते हैं, जो ऐसे भाई होते हैं जिनको पेट में गैस्ट्रिक और एसिडिटी और एक्स्ट्रा एसिड सिक्रेशन होता है, तो इस तरह की समस्या के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। दोस्तों इस मेडिसिन की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन को देख लेते हैं। तो आपको यहाँ स्टोरेज कंडीशन देख लेनी है कि इसको कूल ड्राई और डार्क प्लेस में रखना है, मॉइस्चर वगैरह से बचाना है, सनलाइट से बचाना है और जो रखने वाली जगह है वहाँ का टेम्परेचर 30 डिग्री से ज़्यादा ना हो, वरना ये मेडिसिन ख़राब हो जाएगी और इसका जो सॉल्यूशन है वो ख़राब होने का डर रहता है। दोस्तों बच्चों की पहुँच से मेडिसिन को दूर रखना है और यूज़ करने के बाद इसको वापस से रिकैप करें और अच्छी तरह से इसको क्लोज कर दें, टाइटली क्लोज करके रखें ताकि मेडिसिन गिरे ना या फैले ना। बात करेंगे कि इसका एक्सपायरी सेक्शन और MRP सेक्शन क्या है। तो दोस्तों जब भी आप कोई मेडिसिन खरीदते हैं मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि मेडिसिन की एक्सपायरी और मैन्युफैक्चरिंग वगैरह ज़रूर चेक कर लिया करें। तो ये मेडिसिन अगस्त 2023 की एक्सपायरी है, तो अगस्त 2023 में काफ़ी लंबा समय है, इसको ईजिली तब तक यूज़ कर सकते हैं और ये 71 rupees में आपको मिल जाती है, जो कि सभी टैक्सेस के साथ में आती है। दोस्तों हेल्प लैब का बहुत अच्छा प्रोडक्ट है और जिनको गैस्ट्रिक वगैरह की समस्या रहती है उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। दोस्तों इस मेडिसिन के अगर हम डोज़ की बात करें कि कितनी डोज़ आपको लेनी होती है, तो गाइज
दोस्त के केस में हमेशा मैं आपको यही बताता हूँ कि ये आपके जो फिजिशियन होते हैं, डॉक्टर होते हैं, उनकी सलाह से आपको लेनी होती है। जनरली अगर हम स्टडी के हिसाब से बात करें, अगर कोई एडल्ट इसको लेना चाहता है तो वो इसको 10 से 15 ml, यानी ये 10 से 15 ml मेडिसिन OD एक बार में ली जाएगी। तो ये कभी भी वो ले सकते हैं, सुबह खाली पेट ले सकते हैं, शाम को खाना खाने के 1 या 2 घंटे बाद सोते समय ले सकते हैं। और गाइज, अगर किसी को गैस ज़्यादा बनती है, किसी को थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, तो वो 10-10 ml इसका सुबह शाम यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज़, ये इसकी डोज की बात हो जाती है। अब हम जानेंगे इस मेडिसिन के कुछ साइड इफ़ेक्ट की, इसके कौन कौन से कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं जो किसी भी पेशेंट में आ सकते हैं। गाइज़, अगर किसी को रेंटिडिन से एलर्जी है, उनको एलर्जी होती है, तो वो इसका यूज़ बिल्कुल ना करें। गाइज़, जिन्होंने पहली बार इसका यूज़ किया है तो हो सकता है उनको नोज़िया और वॉमिटिंग जैसी प्रॉब्लम आ सके। बाकी अगर नॉर्मल कॉमन साइड इफ़ेक्ट में हम और जानें, तो गाइज़ इस मेडिसिन को लेने के बाद किसी भी पेशेंट को नोज़िया वॉमिटिंग एक कॉमन है जो कि हो सकता है। और इसके अलावा गाइज, एब्डोमिन क्रैम्प आ सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि अगर ऐसा कुछ होता है गाइज, तो इस मेडिसिन को लेना बंद करें और अपने डॉक्टर से मिलें, उनको बताएं और उनकी सलाह से ही मेडिकेशन करें। तो गाइज, ये सारी चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि अगर किसी को आंत में अल्सर वगैरह हैं, या आंत का कोई ऑपरेशन हुआ है, या कोई सर्जरी होनी है, तो कभी भी इस मेडिसिन को खुद से बिल्कुल भी ना लें दोस्तों। इससे क्या होगा कि आपको कुछ नुकसान हो सकता है, और अगर आपको ज़रूरत होती है तो अपने डॉक्टर को दिखा कर ही लें। गाइज, अब हम बात करेंगे डोज लेते समय आपको क्या सावधानी रखनी है। तो गाइज, डोज हमेशा जब भी आप लेते हैं, इस मेज़र कप की मदद से लें, ताकि आपको एक सही डोज मिल सके। इस पर जो मार्क होता है उसके हिसाब से डोज लें, कभी भी डायरेक्ट इसको ओरल रूट से या चम्मच की मदद से बिल्कुल ना लें दोस्तों। इससे क्या होता है कि डोज वेरिएट हो जाती है और मेडिसिन अपने जो फ़ायदे होते हैं वो नहीं कर पाती है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है, और ये सारी बातें आप ध्यान में रखकर अगर मेडिकेशन करते हैं, तो गाइज आपकी जो समस्या है वो जल्दी जल्दी ठीक हो जाती है, जल्दी से आप क्योर हो जाते हैं और आपकी समस्या ख़त्म हो जाती है। तो गाइज़, ये था आज की इस वीडियो में रैनी हेल्प सिरप का एक जानकारी वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहेगा, वीडियो आपको पसंद आएगा, और वीडियो से आप कुछ नया ज़रूर सीखेंगे दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं, नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, साथ ही ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों, आपसे मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक सेफ रहें, अपना ख्याल रखें। वंदे मातरम।